देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं वो लोगों की पहली पसंद बन गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मई में खूब बिके हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सब्सिडी बहुत कम हो गई है, सरकार ने टैक्स कम कर दिया है, उसकी मार्जिन जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो गए। आपको बता दें कि मई में डीलरशिप पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की कुल बिक्री 1.57 लाख यूनिट रही, जो अब तक सबसे अधिक है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने बिक्री के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती से पहले मई में इलेक्ट्रिक वाहनों की रिटेल बिक्री एक नया रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। वाहन वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक मई में डीलरशिप पर इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री 1.57 लाख यूनिट रही, जो अब तक की सबसे अधिक है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट और टीवीएस मोटर लिमिटेड ने स्कूटर की मांग के कारण टू व्हीलर वाहनों की बिक्री 1 लाख यूनिट को पार कर दिया है, और जून में 1 जून से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हुए बहुत ज़्यादा महंगे। इसका यही रीज़न है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत में बढ़ावा होगा। 1 जून से सरकार ने फेम सेकंड के तहत दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी है। इसलिए आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स महंगे हो चुके हैं। सब्सिडी कम किए जाने के साथ ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी गाड़ियों के दाम भी बढ़ा दिए हैं, और मई में हुई जमकर खरीदारी भी इसका असर है। फेम सेकंड के तहत केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी देती है, जिसे घटाकर अब 10,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन पर एक्स फैक्ट्री कैप के साथ इंसेंटिव को 1500 और कह सकते हैं 15% कर दिया गया है। इससे पहले ये इंटेंसिव 40% था। 1 जून से सब्सिडी में हुए हैं ये बदलाव। क्या क्या? सरकार ने सब्सिडी कम करने की घोषणा पहले ही कर दी थी, क्योंकि ये तय था कि सब्सिडी कम होने के बाद कंपनियां 1 जून से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में दाम बढ़ा सकती है। इसका असर वाहनों की बिक्री पर पड़ा। लोगों ने मई में जमकर खरीदारी की, लेकिन आपको बताएं कि 2019 में शुरू की गई फेम सेकंड की योजना 1 अप्रैल 2019 को फेम सेकंड की योजना शुरू होने के 3 साल बाद लागू किया गया है कुछ योजनाओं को। इन योजना की आउटले राशि 10,000 करोड़ रुपए थी। इसके बाद जून 2021 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए सब्सिडी की राशि को वाहन की लागत के 40% की सीमा के साथ 10,000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया था। अब इसे घटाकर फिर से 10,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है। तो ये प्रक्रिया हुई है। आपको बताते हैं, दोपहिया वाहन काफ़ी खरीदे जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।